बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति पर ऐसी टिप्पणी की है जिसे सुनकर अच्छे अर्थशास्त्री उनके आगे पानी भरेंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि सावन भादो के महीने में मंदी तो आती रहती है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट किया, अमूमन हर साल सावन भादो में अर्थव्यवस्था में मंदी रहती है, लेकिन इस बार कुछ राजनीतिक दल इस मंदी का ज्यादा शोर मचाकर चुनावी पराजय की खीज उतार रहे हैं। वहीं सुशील मोदी के ट्वीट करने पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सुशील मोदी मूर्ख हैं। सुशील मोदी, देश की हालत इतनी खराब है और लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि साहब खराब है। 5% जो बताया जा रहा है ग्रोथ रेट, ये 5% भी नहीं है, 0% है। ये जो ग्रोथ रेट जीडीपी का जो आकलन होता है, वो आकलन जो है संगठित क्षेत्र का होता है, कारपोरेट सेक्टर का होता है। इसमें असंगठित क्षेत्र की हालत का जायजा जो है शामिल नहीं है, जबकि असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं और देश का 45% उत्पादन जो है असंगठित क्षेत्र से होता है। और जानकारी मिल रही है कि आगरा में जैसे जूता फैक्ट्री है, लुधियाना में साइकिल फैक्ट्री है, इस तरह के काम धड़ाधड़ जो है बंद हो रहे हैं। मुरादाबाद में पीतल का काम है, धड़ाधड़ इन सब मामलों में ये बंद हो रहे हैं। और सबसे चिंताजनक बात है कि चेन्नई में मैथमेटिकल सोसाइटी जो कई तरह का आंकड़ा जो है रखती है, वो बता रही है कि साहब सरकारी नौकरियों में और संगठित क्षेत्र में लगभग 45 करोड़ लोग काम करते थे, आज वो तादाद घट करके 41 करोड़ हो गई। मतलब 4 करोड़ लोग जो है बाहर हो गए हैं। जब इतने लोग बाहर हो जाएंगे, इतने लोगों की आमदनी कम हो जाएगी, तो ऐसी हालत में मंदी तो आना ही है। ये नोटबंदी और मूर्खतापूर्ण ढंग से जो जीएसटी लागू किया गया उसका नतीजा है, और इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और सुशील मोदी को इन सब चीजों की समझ नहीं है। साथ ही साथ आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि वित्त मंत्री के नाम पर सुशील मोदी कलंक है। सरकार पे आरोप नहीं लग रहा, सरकार को अर्थव्यवस्था स्वयं धीमे धीमे हौले हौले कदमों से चल करके आईना दिखा रही है। नीति आयोग के मुखिया स्वीकार कर चुके हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, देश के तमाम आर्थिक अर्थशास्त्री परेशान हैं। इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल हाउसेस, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में इकॉनमी जा रही है। निर्मला जी को 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है भरोसा दिलाने के लिए, भरोसा हो नहीं रहा है। उसके ऊपर अगर ये महान आत्मा जिनका नाम सुशील मोदी जी है ये सावन भादो बताते हैं, मैं तो उनको प्रणाम कर सकता हूँ, इनके ज्ञान के समक्ष सर झुकाता हूँ। ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में ऊंचे ओहदे पे हैं। ये वही सज्जन थे जो पितृपक्ष में अपराधियों के समक्ष गिड़गिड़ा रहे थे कि अभी अपराध मत करना। तो जाहिर है प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि कैसे कैसे प्यादे उन्होंने बिठा रखे हैं जिनकी समझ घोर अवैज्ञानिक है, और मैं समझता हूँ कि एक तरह से कलंक है कि ऐसे लोग और वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं बिहार का, तो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। 370 पर आपको बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक विकास की दर करीब 6 साल में सबसे कम 5% पर पहुंच गई है। एक साल में ही जीडीपी में 3% की भारी गिरावट हुई है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी का बेतुका बयान किस आधार पर है वो तो वही जाने।